everyone. I'm Pallavi Mishra from Gurgaon, and here I am going to use Milkmaid, and I'm going to bake a cake. So without wasting any time, let's go and just see how I bake a cake with the help of Milkmaid. I'm going to mix 100 gram butter with half teaspoon Milkmaid. I'm just going to mix that. Now I'm going to sieve all the dry ingredients, which is I took 1 cup atta. हम चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, but I feel आटा बच्चों के लिए थोड़ा सा better होता है, at least मैदा से. And then we have taken 2 tablespoon of cocoa powder, 2 tablespoon of powdered sugar, 1 teaspoon of baking powder, 1/2 teaspoon of baking soda. इन सब को हम एक साथ sieve कर लेंगे. इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अब हम मिल्क मेड वाला और बटर वाला हम अपना बैटर मिक्स करेंगे अच्छे से. इस मिक्सचर में अब हम 1/4 to 1/2 cup ऑफ वाटर डालेंगे अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी. एंड उसके बाद हम 1 teaspoon ऑफ वनीला एसेंस भी डालेंगे. इस बैटर में हम चाहे तो थोड़े बहुत चोको चिप्स और बटर स्कॉच चिप्स और कुछ भी अपने हिसाब से, कुछ चेरीज कुछ भी डाल सकते हैं ताकि इसका टेस्ट और बेटर और इनहांस हो जाए. अब हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है. इस बैटर को हम अपने कांच वाले कंटेनर में इनको पोर इन करेंगे और इसके साइड में हम ऑयलिंग कर देंगे और इसको हम माइक्रोवेव में 180 degree प्रीहीट करके 30 minutes के लिए बेक करेंगे. तो आफ्टर 30 minutes माइक्रोवेव में बेक करने के बाद ये हमारा केक रेडी हो गया है और ये बना है यस फ्रॉम 1/2 tin ऑफ Milkmaid से. आप देख सकते हैं ये हमारा केक रेडी हो गया और ये जो है ऊपर आप देख रहे हो ये बेसिकली बटरस्कॉच चिप्स है जो मैंने लास्ट में ऐड कर लिया था. सो थैंक यू सो मच एंड होप ऑल आर किड्स एंड एवरीवन एंजॉय दिस केक.